कहते हैं पटवाई मथुरापुर कला की, जहां एक गरीब विकलांग डालचंद्र को शाबाद एसडीएम ने 100 गज का पट्टा ग्राम समाज की भूमि पर दिया था, लेकिन गांव के ही कुछ लोग डालचंद्र की जमीन पर दबंगई से कब्जा करना चाहते थे। डालचंद गरीब व पैरों से विकलांग है। डालचंद का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत करने पर भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते मीडिया का सहारा लिया है। खैर, अब देखना यह है कि क्या प्रशासन डालचंद की कोई मदद करता है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? डालचंद जी। क्या प्रश्न है? सर, पटना की है, जो तहसीलदार ने राइट जिम साहब ने दिया, उसको बोर्ड पर मुकदमा चला दिया उसने, रामचंद्रन ने। और उसके बाद में राजीनामा सब जगह से हार गए वो, तो वो राजीनामा दें तो हमारी तीनों की 300 का जी। उसके बाद में उसने बोला 20 मेरे में जा रही है, मैं तुमसे तो हमने बोलो 20 जा रही है, तो 20 के हिसाब से काटी। मगर अब भी बहाने जो बच्चों को मैंने भेजा तो उन्होंने कह रहा हूँ मार दूंगा, इन्होंने होलीलाल से कह रहा हूँ मैं काट डालूंगा। कौन मारता है? कौन? रामचंद्र और उसका लड़का अमर सिंह है, वो भी धमकी देते हैं। अच्छा, इस पर किसी अधिकारी आया आपके पास में? अभी कोई नहीं आया। अच्छा, ये कब से चल रहा है आपका मुकदमा? मुकदमा चल रहा है, मुकदमा ख़त्म हो गया, उसके बाद में दिया है। अब अधिकारी कोई ना होगा। अच्छा, अब चाहते क्या हुआ आप? अब जो चाहते हैं कि हमारी पूरी हम चाहिए और राज वो फिर जो हमें मारे नहीं, धमकाए नहीं, कब्जा है नहीं, कब्जा कराए। खबरों में बात करते हैं जनपद उन्नाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक बंबा लाल दिवाकर का 44वां जन्मदिन पार्टी कार्यालय पर उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र की जनता ने पहुंचकर अपने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए केक काट कर जन्म दिवस की बधाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री, बीज विकास निगम संभाग प्रभारी गोरखपुर राजेश्वर सिंह का शाहजहांपुर जनपद में प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ, जहां हिंदू युवा वाहिनी शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष सर्वपल शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। दास है कि पूज्य संत योगी जी के तत्वावधान में, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के तत्वावधान में, मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प, और आज से अनवरत हम देख रहे हैं जब से वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में आई है, लगातार यह कार्य अनवरत पूरे भारत में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश उसमें बहुमुखी प्रतिभा प्राप्त करके सबसे पूरे भारत में अद्वितीय शक्ति बन चुका है। यह योगी जी के तत्वावधान में गुंडे माओवादी नक्सलवादी आतंकवादी दूर 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 तक नहीं दिख रहे हैं, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में यह राम राज्य स्थापित होगा, इसको कोई माँ का लाल रोक नहीं सकता है। भगवान राम का मंदिर अल्प समय में बनने जा रहा है, भगवान राम का मंदिर बनेगा और पूरे देश में राम राज्य स्थापित होगा, जिसके हम आप सभी लोग सहभागी होंगे। मंत्री जी, जैसा कि यहाँ किसानों का आरोप है कि उनको बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस मामले में क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे या क्या? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बीज विकास निगम का मैं पूरे उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ, और जब से मैंने चार्ज लिया है, जब से हमने कार्य संभाला है, पूरे उत्तर प्रदेश में बीज का ही कार्य हमने सर्वोपरि, समय से किसानों को बीज उपलब्ध हो, समय से किसानों को जिस क्षेत्र में जो उपयुक्त बीजें हैं उन्हीं को दिया जाए। पहले यह होता था कि उपयुक्त बीजों के अभाव में वो किसान मारे जाते थे और उनकी पैदावार मारी जाती थी। आज के दिन जिस भी क्षेत्रों में जो उपयुक्त बीज है हम शोध करवा रहे हैं, और शोध करवा करके जो उपयुक्त बीज आपके क्षेत्र के लिए या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जो उपयुक्त बीज है उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं, और अल्प समय में बोने के पहले वो सारे बीज हर जनपद में उपलब्ध हो जाएंगे, और निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की फसल और गेहूं का मूल्य मिलेगा, और निश्चित रूप से पूरा उत्तर। यूपी के अनूपशहर दी किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने हवन पूजन चेन में गन्ना डाल व गेट पर पीता काट कर किया। इसके अलावा मंत्री ने चीनी मिल में हुए लगभग 29 करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन का लोकार्पण किया।
इस मौके पर मिल में आयोजित किसान सम्मान समारोह में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार जो जर्जर मिले हैं उन्हें अपग्रेड करने का काम किया है। मैं आज हजारों किसानों की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां इस अनूप शहर सहकारी चीनी मिल को 10 करोड़ रुपए अपग्रेडेशन के लिए और 29 करोड़ रुपए यहां की जो डिस्टिलरी बनती है उसे चलाने के लिए दिए हैं। आज दोनों का लोकार्पण हुआ है, पेराई सत्र शुरू हो गया है, क्योंकि मोदी योगी जी के एजेंडे में किसान है, गन्ना किसान है और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की जो भी समस्याएँ थी उन तमाम समस्याओं को समाप्त करने की एक जिद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है। अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया है और जो जो सुझाव किसानों के आते हैं उन तमाम सुझावों को लेकर के उनका समाधान करने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी योगी जी के एजेंडे में किसान है, इसलिए वो किसानों के बारे में सोचते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी बड़ी संख्या में किसान जुट करके और आदरणीय योगी जी के आदरणीय मोदी जी के जो किए हुए उनकी सराहना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि गन्ना मंत्री के रूप में जाकर के किसानों से सीधा संवाद करके जो भी अनुभव है, जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो बातचीत करके उसका समाधान किया जाए। और आज यहाँ किसानों को ये शुगर मिल समर्पित करते हैं मंत्री जी। किसानों का कुछ बकाया है यहाँ पे? किसानों को नहीं, वो अभी जो यहाँ विषय आया है, जो भी विषय आया है, चाहे ग्रेचुटी का विषय हो या अन्य विषय हो, तमाम विषयों का समाधान हम लोग कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं अनूप शहर चीनी मिल पर, जहाँ उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना जी ने क्रय सत्र का उद्घाटन किया है और 30 करोड़ की लागत से जो अश्वनी मिल जो बंद पड़ी थी सालों से उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया है। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, सीएम नूर जहांगीराबाद बुलंदशहर। जनपद हरदोई के अरवल थाना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि मुद्दे पर आने वाले फैसले को लेकर शांति एवं सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। अरवल थाने में बलवा ड्रिल का रिहर्सल कर दंगाइयों से निपटने की तैयारी की जा रही है। थाना अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने पुलिस बल को दंगाइयों से निपटने के लिए जरूरी टिप्स दिए। इस मौके पर सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नगरपालिका चुनाव को लेकर पाली शहर के चौराहे पर रंगोली सजाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया के सानिध्य में मंगल कलश चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर ओ सिसोदिया ने आगामी नगरपालिका चुनाव में आमजन को अधिकाधिक मतदान करने का आह्वान भी किया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भांसडीही तहसील के जिला कोटेदार संघ ने बैठक किया और उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाए गए हैं कि कोटेदार से सप्लाई अफसर अवैध रूप से धन उगाही करते हैं और नहीं देने पर तरह तरह से शोषण करते हैं। पर्चे बताइए। मैं सुशील कुमार सिंह, भाजी तहसील अध्यक्ष के। यार किस प्रकार के बाहरी तहसील में बैठक है, क्या है मामला? हम लोग का बैठक किया है, हम लोग का सप्लाई इंस्पेक्टर सुनाथ भारतीय थी पुष्कर, सुनाथ पुष्कर जी 50 रुपया अंत्योदय, 50 रुपया बीपीएल पात्र की रस्सी पर पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? और नहीं देने पर गाली गलौज करते हैं। शासन के देता अनुसार हमारे कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, लेकिन वो अपने घर पे बुला के प्रमाण पत्र जारी करते हैं। बलिया शिकायत आपने कहीं किया? आप लोगों ने शिकायत हम लोग डीएसओ साहब से लिखित रूप में दिए हैं, लिखित रूप में दे दिए हैं, लिखित रूप में दिया गया। कोई कार्रवाई? डीएसओ साहब ने कहे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उसका सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। जी जिलाधिकारी को भी संज्ञान में है? जी अधिकारी जी। आज यहाँ किसको आप पत्र आप देंगे? आज हम लोग माननीय विपक्ष नेता श्री राम गोविंद चौधरी को हम लोग देंगे। अगर हम ये जानना चाहते हैं, इतने आप पत्रचार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता, आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं पीछे नहीं हटेंगे, वितरण बंद कर देंगे। यूपी के बुलंदशहर में शादी के 16 साल बाद 3 तलाक का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला का पति ससुराल पक्ष पर 50,000 रुपए और बाइक के लिए लगातार दबाव बना रहा था। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। शवाना
तुम एसएसपी से मिलने आओ, क्या पूरा मामला? ये मामला है, मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे पति ने मुझे मारपीट कर मेरे बापन के सामने मुझे 3 तलाक दे दिया और दहेज की मांग की थी उसने शुरू से। अब क्या कहने कप्तान? मैं तो यहाँ से न्याय चाहती हूँ और जब मैं उसने दूसरी कल लाया अब यहाँ से। अच्छा, कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी 2003 में 11 महीने। एक महिला भी आपसे आके मिली है, 3 तलाक का मामला था, क्या था पूरा मामला? ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की एक महिला ने आकर के एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी शादी गौतम बुद्ध नगर में हुई थी, पति ने उसका त्याग कर दिया था और 3 तलाक दे करके उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।